गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पूरे देश में पहरा बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की 137वीं बटालियन ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह से पहले उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा को मजबूत कर दिया है। CRPF जवानों ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर विभिन्न स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित की हैं और सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है। गश्ती दल द्वारा पूरे राजमार्ग को मेटल डिटेक्टर से भी स्कैन किया जा रहा है। CRPF 137 बटालियन के सेकंड इन कमांड करतार सिंह ने गणतंत्र दिवस से पहले उधमपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। हमारा जो स्टेज है हरि निवास जम्मू से लेके प्रेमनाथ मंदिर चनानी तक है, जिसके अंदर हमारे जवान 7 कंपनियां हमारी रोड पे पेट्रोलिंग या नाका लगाते हैं। इस रोड के ऊपर देखते हुए, जैसे 26 जनवरी को देखते हुए एक्स्ट्रा अलर्ट दिया गया है और हमारे जवान बिल्कुल एक्स्ट्रा अलर्ट हैं। आप देख रहे हैं पीछे मेरे नाका लगा हुआ है। कोई भी सस्पेक्ट गाड़ी है जो तेज स्पीड से चल रही है, हमको डाउट होता है, उसको पहले पीछे वाला नाका बता देता है इस गाड़ी में कुछ स्पीड से जा रहा है, तो हम उसको तुरंत रोक के चेक करते हैं। और स्पेशल पुलिस के साथ भी हमारे 2-3 नाके आज लगे हुए हैं इस एरिया में। कुछ इनपुट आते भी हैं, सही भी होते हैं, कुछ अफवाहें भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी अफवाहें होती हैं, कुछ इनपुट आते हैं, पर इस चीज़ को देखते हुए जब आप चौकन्ने हो, हर जगह आपके नाके लगे हुए हैं, तो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस एरिया में कोई हादसा कर सके। इसलिए जो खबर आती है वो सच्ची भी होती है, तो उसको अलर्टनेस को देखते हुए कोई आदमी हिम्मत नहीं करता। अभी इनपुट जैसे आती रहती हैं पुंछ रजौरी वाले एरिया से, तो इसलिए एक्स्ट्रा अलर्ट हम लोगों ने किया है, नाके को और इनको पेट्रोलिंग को बढ़ाया है, नफरी को बढ़ाया है। जैसे हमारा डॉग है, BDD स्क्वाड है, वो डेली सर्च करना, जितने भी कलवट हैं नाके हैं उनको सर्च करते हैं हम सुबह सुबह, और उसी प्रकार से हम अलर्ट रहते हैं। 26 जनवरी के लिए ये मैसेज है कि 26 जनवरी को हम अपने एरिया में कुछ नहीं होने देंगे, आराम से 26 जनवरी बच्चे अपने स्कूलों में या जैसे भी मनाएं, ग्राउंड में अच्छे से धूमधाम से मनाएं। उधमपुर एरिया में जो हमारा एरिया है, इसमें हम कुछ भी नहीं होने देंगे।